फिरोजाबाद में भैंसों की रखवाली कर रहे वृद्ध की धारदार हथियार से हमला कर बदमाशों ने की हत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। परिजनों में गुस्सा, शव नहीं उठने दे रहे। परिजनों की मांग है, जब तक हथियारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव नहीं उठने दिया जाएगा। पुलिस के आला अफसरों के साथ काफी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के मेहताब नगर इलाके की घटना। क्या घटना हुई है, क्या मामला है? आज मेहताब नगर में मायाराम राठौर जी, जो कि अपने घर में सो रहे थे, उनकी कुछ लोगों के द्वारा, उनका FIR में भी नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनके द्वारा लगभग रात के करीब 1:30 बजे के समथिंग घर में घुसकर के उनके धारदार हथियार से तलवार और कुल्हाड़ी के जरिए उनकी निशंस हत्या कर दी। इसमें पहले से भी जिन इस परिवार की और जिन लोगों ने घटना की है, उन परिवार में काफ़ी बार पहले भी घटना हो चुकी है, और लगभग 15-20 दिन पहले छोटे भाई, उनके मझले भाई थे, मझले बेटे की कुल्हाड़ी से बीच रोड पर उन्होंने एक घटना की थी, सर में चोट लगी थी उससे। लेकिन पुलिस प्रशासन में पूरा ये सबके घेरे में है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज हो या थाना इंचार्ज हो, उन लोगों ने कोई भी इन घटनाओं से सबक नहीं लिया। अगर उन्होंने उस टाइम पर कोई कार्रवाई की होती तो मुझे लगता है कि शायद ये आज घटना 15 मिनट की नहीं होती। लगभग 4 बार ये लोग, जो पीड़ित परिवार है, 4 बार ये लोग तहरीर दे चुके हैं, उसमें शायद 3 बार मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई, जिसमें मुख्य रूप से एक सुधीर कुमार जी कॉन्स्टेबल है, उनका नाम आ रहा है, उसने पीड़ित परिवार से काफ़ी पैसे भी ठगे हैं, और दूसरा ऋषि कुमार जी जो लाइन पार के थाना अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम भी कुछ इसमें आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी बार जाने के बावजूद भी, लेकिन उन्होंने किसी भी उस पर कार्रवाई नहीं की, और अगर उन्होंने कार्रवाई सही रहते हुए टाइम पर की होती अगर, तो ये शायद घटना नहीं होती। सर, घटना हुई है सर, क्या मामला है पूरा, किस तरीके से घटना हुई है? देखिए, मायाराम है, 68 साल इनकी उम्र है, इनके बड़े लड़के ने सूचना दिया था कि इनके कुछ लोगों ने हत्या कर दिया है। इस संबंध में इनके लड़के के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, 7 नामजद लोगों के खिलाफ। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है, जल्द ही मरीजों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो। सर, किसी ऊपर कार्रवाई भी की गई है सर, लापरवाही को देखते हुए? सर, इसमें मृतक के परिजनों का यह कहना है कि पूर्व में भी इन लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें सुधीर हेड कांस्टेबल है, उसकी कुछ शिकायतें ये लोग बता रहे थे, तत्काल प्रभाव से उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है, इसमें आगे की जो भी और कार्रवाई है। सर, कोई अपराधी पकड़ा गया अभी तक? नहीं, अभी इसमें कोई जो भी नामजद अभियुक्त था कोई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, इनके परिजन पकड़े गए हैं एक दो, जिनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।